नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मॉनिटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन जो ये टॉपिक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। आमतौर पे सारे ही गवर्नमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये मेंसुरेशन टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आखिर मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आखिर मेंसुरेशन चैप्टर होता क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है, मेंसुरेशन इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ सरफेसेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मेंसुरेशन टॉपिक पे हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यह कोई लाइन की लेंथ हो या कोई सरफेस की एरिया हो या कोई वॉल्यूमेट्रिक सॉलिड का वॉल्यूम हो, इसके ज़रिए हम लोग टोटली विस्तार से जानेंगे इस मेंसुरेशन टॉपिक। आपको बता दें कि मेंसुरेशन टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज्ड होते हैं, खासकर इन द इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, सो हियर वी गो। सो द टॉपिक इज़ दैट, द सिनेरियो इज़ दैट, मेंसुरेशन समझने के लिए आपको पेरिमीटर, एरिया और वॉल्यूम को बढ़िया से समझना पड़ेगा कि आखिर पेरिमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। आखिर पेरिमीटर क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल पे पेरिमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का पेरिमीटर क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का, उसी तरह एरिया और वॉल्यूम का भी। पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल द साइड्स। कोई भी, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है और स्क्वायर्स का पेरीमीटर क्या होता है, रम्बस का क्या होता है और कई सारे हैं। पेरीमीटर का बात करें तो ये टोटल समेशन, इट इज़ नथिंग द समेशन ऑफ ऑल द साइड्स। जितने भी साइड्स हैं वो ट्राइंगल भी हो सकते हैं, वो स्क्वायर भी हो सकता है, टोटल समेशन ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर हम लोग मेज़र कर सकते हैं इन सेंटीमीटर और मीटर और कई यूनिट्स हैं, जैसे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, सो माइक्रोस्कोपिक एंड वेरी स्मॉल सेगमेंट्स। बात करें एरिया की तो एरिया इज नथिंग द सरफेस और द ऑक्यूपाइड और इनक्लोज्ड सरफेस। द एरिया ऑफ एनी फिगर इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड। देखिए यहाँ पर नोट करने वाला बात है कि यहाँ पर दिया गया है सरफेस इनक्लोज्ड, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, सरफेस इनक्लोज्ड, तो सरफेस इनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री। This is measured in square, that is measured in a square unit like centimeter square, meter square. इसको हम लोग square meter भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे square meter ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि meter square. वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम कुछ इस तरह है कि कोई भी सॉलिड या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज सॉलिड देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम, बाय सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। दिस इज मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम जो है वो हर समय क्यूबिक यूनिट में कैलकुलेट होती है, यानी कि जब भी हम लोग बात करेंगे एरिया का तो ये स्क्वायर में होगी, ऑलवेज इट इज़ नॉट एन स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, बट इन केस ऑफ वॉल्यूम देयर इज ऑलवेज क्यूब, देयर इज ऑलवेज क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर क्यूब। सो लेट्स प्रोसीड फादर।
सो वाट इज़ बेसिकली द ट्राइंगल। अब नाम से ही पता चल रहा कि ट्राइंगल है जिसका तीन एंगल हो या तीन आर्म हो, ट्राइंगल, ट्राई एंगल। अब देखिए नाम से ही इसमें समेशन है, देखिए ट्राई एन एंगल, सो ट्राई एंगल, देयर इज थ्री एंगल। सो यहाँ पर बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जैसे ये पेरीमीटर का फॉर्मूला दे दिया गया है। पेरीमीटर को यहाँ पर हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी से, जैसे कैपिटल पी, द समेशन ऑफ ऑल द साइड्स, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि पेरीमीटर इज नथिंग द समेशन ऑफ ऑल द साइड्स। हाँ वो डिफर करती है जैसे एक्सेप्शनल कंडीशन आ गया। सो यहाँ पर ट्राइंगल पे एक आर्म, दिस इज वन आर्म, ओके दिस इज वन आर्म एंड दिस इज अनदर आर्म एंड दिस इज वन आर्म। सो जैसे देखिए यहाँ का जो एंगल है, दिस वन इज ऑलवेज 90 डिग्री, दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री। एज नॉट फॉर हाइट, दिस इज द हाइट, दिस इज डिनोट और रिफ्लेक्ट हाइट हियर इन दिस फिगर। सो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो ऑफ द पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज दिस ए बी एंड सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर। सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज डिनोटेड एज कैपिटल ए एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर रूट एस इंटू एस इन एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज नथिंग ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द साइड्स बाई टू एंड ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द ट्राइंगल। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, बेसिकली दिस इज द मेन फॉर्मूला, जनरल एक्सप्रेशन और वट एवर। सो इन मैक्सिमम केसेस दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो यूज, हियर इज रिटन दैट इज एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके दिस इज एक्चुअली फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम। जब हम लोग पिथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तब ये हम जानेंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पिथागोरस थ्योरम से आती है, एक थ्योरम है पर्टिकुलरली। ये आगे का वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि पिथागोरस थ्योरम क्या होता है। पिथागोरस थ्योरम प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इन कैलकुलस। तो वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ बात करें एरिया की तो ये मेन फार्मूला हो गया आपका एरिया का, दिस इज द मेन फार्मूला एंड दिस इज दिस फार्मूला इज ऑल्सो यूज, दिस इज एक्सप्रेस्ड हियर बाई पिथागोरस थियोरम, दिस पर्टिकुलर थियोरम्स होते हैं। सो थ्रू थियोरम दिस फार्मूला इज अराइजेस। एंड बात करें आपका ट्राइंगल, अब ट्राइंगल तो वो ऐसा नहीं होगा कि ट्राइंगल्स आर ओनली वन टाइप, नो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर ऑल्सो देयर। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल है जो जिसका पहले हम लोग बता रहे थे कि ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल, ट्राई एंगल, सो दिस इज ट्राइंगल, थ्री एंगल्स आर देयर ऑलवेज, ट्राइंगल कंसिस्ट थ्री एंगल ऑलवेज। बट इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम एंड ऑल आर्म आर ऑफ सेम लेंथ, ऑल आर्म दैट मीन्स दिस आर्म, दिस आर्म, दिस आर्म एंड दिस आर्म हैविंग सेम लेंथ। इफ देयर इज अ डिफरेंट लेंथ देन दिस दिस दैट मीन्स द ट्राइंगल इज नॉट टर्म्ड एज इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल मस्ट हैव सेम लेंथ एंड हैविंग सेम एंगल। पेरीमीटर की बात करें तो 3a, ऑब्वियसली 3a, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड एरिया इज रूट ओवर 3/4a² ए हैविंग द आर्म लेंथ, आर्म लेंथ, आर्म लेंथ, सो रूट ओवर 3/4 आर्म स्क्वायर वेयर ए इज द साइड, ओके।
and the next one is right triangle. It is also termed as a right triangle because here right angle triangles angles 90 degree always. By looking at this figure, the angle is always 90 degree. This angle is always 90 degree. If this angle is not 90 degree, यदि angle 90 degree ना हो तो वो right angle right triangle हो ही नहीं सकता. That means having right triangle, this condition must be satisfied. That is that this angle is 90 degree. Yeah, it's written Pythagoras theorem, Pythagoras triplets. Pythagoras theorem या Pythagoras triplets. So area is half into P into B, where P is this one and B is this, where P is half into perpendicular height into base, half into this one is perpendicular into base, half into perpendicular and this one is base. This is the actually Pythagoras theorem formula. Here is written, this is the actual formula, this is the actual Pythagoras theorem, that is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Here h denotes as hypotenuse, and hypotenuse means this one is the hypotenuse, this one is the hypotenuse, and base, b stand for base, this one is base, this one is base, and perpendicular, this one is perpendicular. So here written, this is the actual formula for the right triangle. The next one is a rectangle. Rectangle is very much important because its application is used in all the areas. इसका जो एप्लीकेशन है वो आमतौर पे हर एरिया में यूज होता है. ऐसे रेक्टेंगल की बात करें तो ये एक रेक्टेंगल है. दिस इज द रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है. लेंथ को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एल से और ब्रेथ डिनोट कर रहे हैं बी से. हियर इज सिंपल रिटन एंड पेरीमीटर फॉर्मूला इज दिस एंड एरिया फॉर्मूला इज दिस. सो द पेरीमीटर इज रिटन एज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेथ. वैल्यू दिया रहेगा, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ब्रेथ को 10 और लेंथ को पकड़ लेते हैं 20. तो यदि पेरीमीटर निकालना हो तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट मीन्स 2 इंटू लेंथ सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज 30 इंटू 2 60. सो हियर इज रिटन पेरीमीटर इज 60 यूनिट समथिंग मीटर और सेंटीमीटर. हियर इज रिटन मीटर, सो मीटर. The next one is area. So here written area, the length into breadth. The area is, the formula of a rectangle is very simple. The perimeter is written as 2 into length plus breadth, and area is length into breadth. Simply, suppose this one is 20 and this one is 40. So 40 into 20, like that. Yeah, and here L is denoted as I am telling you that L is length and B is breadth. Yeah, the next one is square. Square is also very important. It played a very important role. So square is the segment in the geometrical era or in mensuration having all the sides are equal. Having all the sides are equal. This side is also A, this side is also A, this side is also A, this side is also A. Having all the sides are equal. Sides are equal, okay. So, perimeter, the formula of perimeter. Perimeter of a square is this 4 into sides, that is 4 into sides is A, so 4A, that's a 4A. Area is arm into arm,
और साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर. सो दिस इज रिटन एज साइड स्क्वायर सिंपली. नाउ नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम. हियर दिस इज द फिगर ऑफ द पैरेललोग्राम. ये फिगर है पैरेललोग्राम का जहां पर एज दिस आर्म हैविंग टू अपोजिट आर्म आर सेम. दैट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड आर सेम एंड दिस साइड इज सेम. टू अपोजिट साइड्स आर सेम एंड दिस इज द एक्चुअल हाइट. हियर एज डिनोट्स एज ऑल्टीट्यूड. हियर ए इज ब्रेथ ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड बी इज बेस और लेंथ. हियर बी इज लेंथ और बेस एंड एज इज altitude or height. The formula of a parallelogram perimeter is 2 into length plus breadth. That means 2 into a plus b and area is base into altitude. The next one is rhombus. Rhombus is very important in the field of engineering or in the field of science having coordinate geometry. So rhombus, here it is written that D1 and D2 are the diagonals. Here D1 and D2 are the diagonals of this rhombus. The formula of the perimeter are 4a. A is a side having same side. This is also a. Having same side, that means the length are same, and D1, D2 are the diagonals. So perimeter 4a and area is half into diagonal D1 into diagonal D2. And the next one is irregular quadrilateral. So what is irregular quadrilateral? So there's a written irregular. That means the figure is not regular. Okay. So perimeter formula is P plus Q plus R plus S. This is side. This is P. This is S. This is Q and this is R. And area is half into D into H1 plus H2. H1 and H2 are the height. This one and this one. So this is the formula of area and this is the formula of perimeter. Next one is trapezium. The trapezium formula is very important in the field of coordinate geometry. The perimeter formula is A plus B plus M plus N. This is M and this is N. Where A and B are two parallel sides. A or B, dono parallel side hai. Or M or N, two non-parallel sides hai. M and this one N, and H is the perpendicular distance between these parallel sides, between this one and this H. And the perimeter formula is A plus B plus M plus N, and area is half into A plus B into H. That is a summation of two parallel sides into H. Area of the pathway running across the middle rectangle. This is the figure where it is shown that the area of the pathway, suppose this is a road in a practical comparable, if I compare it in a practical system, so this is a road, suppose this is a road running across the middle of a rectangle. This is a rectangle, type of rectangle, sorry. This is the rectangle. So area is given as A into length plus breadth minus A square. So what is A square? A width of the pathway. This is chaudai. This is the width of the pathway. This is the outside pathway and this is the inside pathway. यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कृपया ले सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम.
सर्कल सर्कल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दैट इज दिस इज द सर्कल, दिस इज द रेडियस, दिस इज रेडियस एंड इफ आई मेक डबल ऑफ द रेडियस दैन दिस इज डायमीटर डायमीटर. ओके सो दिस इज डायमीटर. दैट मीन्स डायमीटर इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ द रेडियस. ओके सो पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस. पेरीमीटर इज ऑल्सो नेम्ड एज सर्कमफेरेंस. पेरीमीटर को हम लोग सर्कमफेरेंस भी कहते हैं. इसका फॉर्मूला है 2πr. अब पाई क्या है नया चीज. पाई इक्वल्स टू 22/7. दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट. दैट इज पाई द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट एंड इफ आई डिनोट इन डेसिमल देन 3.14 एंड दिस इज द पेरीमीटर 2πr. और हियर इज रिटन पाई डी. और पाई डी को कहा गया है क्योंकि पाई और 2r मतलब डायमीटर. दैट इज पाई डी. एरिया का बात करें तो दिस इज एरिया पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर इज द एरिया. पाई आर स्क्वायर. अब बात करें सेक्टर ऑफ अ सर्कल. दिस इज द सर्कल जिसका पेरीमीटर है 2πr और एरिया है पाई आर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी. बात करें ओ ए बी मतलब ओ ए बी. ओ ए बी का बात करें तो ये जी थीटा. दिस इज थीटा. ओके दिस इज डिनोट एज दिस थीटा. थीटा इन टू ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सेक्टर मीन्स दिस वन. दिस एरिया दिस दिस एरिया दिस एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. लेंथ ऑफ एन आर्क L. This is the length of an arc. L. This is length of an arc. Okay. This is the length. So here it is written that theta by 360 into 2πr. Area of a segment equals to area of a sector. Area of a segment equals to area of a sector. Area of a triangle. OAB. OAB. Yeah. This one. OAB. OA and B. Perimeter of a segment equals to length of the arc plus the length of the segment. That is the length of the arc and length of the segment. So this is arc L and the segment is this one, this value. Area of a sector minus area of a triangle OAB, O, A and B. So AB equals to pi r theta by 180 plus 2r sine theta by 2. This is the actual formula of the perimeter. Now the concept of ring. This is also very much important in the practical era. Ring का बात करें तो यहाँ पर obviously दो radius होंगे. एक radius r1. This is the radius. After this much to this much, central point से ये इस बाहरी जो अंदर का circumference है उस पर और एक from the central point to outer circumference. Circumference, this one. So the area, basically the formula of the area of a ring is area of the ring equals to pi by r2 square minus r1 square. This is the formula of a ring. So guys, this is all about the part 1 and part 2 jaldi aane wala hai is YouTube channel pe. To aap log jude rahein. और पार्ट टू हम लोग बात करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे. तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.